ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। हेलफायर, एक आग जो काफिरों के मरने के बाद उन्हें हमेशा जलाती रहेगी नरक में। ये कितना सच है? दोजक के बारे में हदीसें क्या कहती हैं और वो बातें कितनी लॉजिकल लगती हैं, जानेंगे आज की स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो में आखिर का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करिए। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। वैसे तो ये दोजक की आग इस्लाम में कहां से कॉपी हुई और इसमें कितने झोल हैं, वो मैं बहुत जल्दी एक स्पेशल वीडियो लाकर बताऊंगा ही। लेकिन कुछ हदीसों पर नजर डालेंगे कि वो हेल फायर यानी दोजक की आग के बारे में क्या कहती हैं और वो कितना सेंस बनाती हैं और उस हेल फायर से बचने के इस्लाम में क्या क्या तरीके बताए गए हैं। सारे तरीके नहीं, सिर्फ अपने मतलब के तरीकों पर रोशनी डालेंगे। हम लोगों को आग का डर सचमुच डराता है, क्योंकि बचपन में हम सभी थोड़ा बहुत जल ही जाते हैं। बहुत दर्द होता है, ठीक होने में भी टाइम लगता है, कई बार ज्यादा जलने पर ठीक भी नहीं होते। लेकिन क्या हमें केवल आग का डर ही डराता है? एसिड से जलने का डर नहीं है? करंट लगने का डर नहीं है? बहुत ऊंचाइयों से गिरने का डर नहीं है? बिल्कुल है। तो अल्लाह हमें केवल आग से ही क्यों डराता है? क्योंकि 1400 साल पहले ना करंट था, ना एसिड, और ना ही ऊंची ऊंची इमारतें जहां से गिरने का डर हो। और पहाड़ों पर तो लोग वैसे भी नहीं चढ़ते थे। लेकिन हाँ, 1400 साल पहले आग जरूर मौजूद थी, यानी अल्लाह 1400 साल पहले तक ही जिंदा था। या कहें तो अल्लाह नबी की जबान ही बोलता था। नबी गुजरे, अल्लाह भी गुजर गया। तो आइए देखते हैं हेल फायर से रिलेटेड कुछ हदीसें, या आसान भाषा में कहें तो हेल फायर से रिलेटेड कुछ बोंगियां। पॉइंट नंबर 5, सर्दी और गर्मी क्यों होती है? बुखारी की एक हदीस के मुताबिक नबी ने फरमाया, दोजक कहती है कि ऐ मेरे खुदा, मेरे कुछ हिस्से एक दूसरे को खा रहे हैं। उसके पहले दोजक बेचारी सांस भी नहीं लेती थी, सांस लेने के लिए भी अल्लाह से पूछ रही है। अल्लाह ने दो बार सांस लेने की इजाजत दी, एक बार सांस लेती है तो गर्मी हो जाती है, दूसरी बार सांस लेती है तो ठंड हो जाती है। तो इस तरह ये मौसम बदलते हैं। ऐसे ही शायद दोजक के छींकने पर बारिश आती होगी, पता नहीं बिजली की गड़गड़ाहट का भी क्या मतलब होगा। मतलब हमारी अर्थ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर टिल्ट है, उसकी वजह से यह मौसम नहीं बदलते। मौसम बदलते हैं क्योंकि दोजक सांस लेती है और छोड़ती है। माशाल्लाह, इस्लामिक किताबों की इतनी साइंस देखकर तो दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी शर्मा जाए। पॉइंट नंबर 4, बुखार भी हेल फायर की वजह से होता है। इस्लामिक वेबसाइट पर हेल फायर लिखने से एक और हदीस मिलती है, जिसके मुताबिक लोगों को बुखार होता है दोजक की आग की वजह से। हमारी बॉडी में फीवर होने की एक पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें वायरस बॉडी में जाते ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ताकि व्हाइट ब्लड सेल वायरस से लड़ सकें, जिसकी एक वजह होती है बीमारी से लड़कर ठीक होने की कोशिश करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नबी को उन लोगों को ये प्रोसेस बतानी चाहिए थी कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होती है, वायरस क्या होता है, मगर नबी ये भी तो कह सकते थे कि बॉडी गर्म होती है ताकि बीमारी से लड़ा जा सके। आज इन हदीसों में ये बात होती तो इनके बड़े ढोल नगाड़े पीटे जा रहे होते। लेकिन बुखार को दोजक की आग बता दिया तो कुछ नहीं, क्या करें इस मुनाफिकत का। देखते हैं पॉइंट नंबर 3, क्या मासूम बच्चे भी नरक में जाएंगे? निसाई की इस हदीस के मुताबिक पता चलता है कि आयशा भी नबी से ज्यादा अकल की मालिक थी। दरअसल हदीस है कि एक बार नबी को एक छोटे बच्चे के फ्यूनरल प्रेयर के लिए बुलाया गया, मतलब क्रियाक्रम के लिए। आयशा ने नबी से कहा कि ये बच्चे भी कितने किस्मत वाले होते हैं कि वो सीधा जन्नत जाएंगे, क्योंकि वो गुनाह करने की उम्र तक पहुंचते ही नहीं है।
अब आप एक समझदार शख्स होंगे तो आयशा की बात से कुछ हद तक तो सहमत होंगे ही, क्योंकि बेशक अगर खुदा मौजूद होगा और ये फालतू के टेस्ट भी लेता होगा तो कम से कम इतना तो समझदार ही होगा कि कोई बच्चा उसकी वजह से एग्जाम ही नहीं दे पाया तो उसे भला क्यों फेल करेगा। लेकिन इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट कराने की चाह में नबी यहां इतनी छोटी बात को भी इग्नोर मार गए और आयशा से बोले, आयशा अल्लाह ने जन्नत बनाई और कुछ लोगों को जन्नत के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे, और दोजक बनाई और कुछ लोगों को दोजक के लिए बनाया जबकि वो अभी अपने बाप की लंगोट में ही थे। यहां नबी सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि ये टेस्ट वगैरह सब फालतू की बात है, जो जहां के लिए पैदा हुआ है वो वहीं जाएगा। यानी हो सकता है कि ये जफर जन्नत के लिए पैदा हुआ हो, और हो सकता है कि हमारे मोमिन भाई जो वीडियो देख रहे हैं और नीचे कमेंट में गालियां लिख रहे हैं वो दोजक के लिए पैदा हुए हों। खैर, यहां से हमें पता चलता है कि ये हेल फायर बेकार की बात है। खैर, हेल फायर से रिलेटेड पॉइंट्स तो कई हो गए, अब देखते हैं कुछ ऐसी हदीसें जिनमें हमें हेल फायर से बचने के इलाज बताए गए हैं। सबसे पहले ये हदीस देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक एक प्रोस्टिट्यूट यानी कॉल गर्ल को यह खुदा इसलिए माफ कर देता है क्योंकि उसने कुत्ते को पानी पिलाया। हालांकि ये बात अच्छी नजर आती है, लोगों को बेजुबान जानवर की मदद करने के लिए इस तरह की बात कहना ठीक हो सकता है, लेकिन यहां कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। यहां तो कॉल गर्ल की बात है, लेकिन क्या कॉल गर्ल के काम को गुनाह समझने वाले रेप और मर्डर करके कुत्ते को पानी पिलाकर इससे बच सकते हैं? अब ये कैसा टेस्ट रह गया जहां टेस्ट लेने वाला अपनी मन मर्जी से किसी को भी पास कर देगा क्योंकि वो उसकी एक छोटी सी अच्छी बात पर खुश हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे यहां पर अजीब लगती है वो है इस्लाम की कॉन्ट्राडिक्शन। जहां रसूल अल्लाह ने बिना बात के कुत्तों को मारने के ऑर्डर दिए थे, वहां अचानक कुत्तों पर इतना प्यार कैसे? खैर, इस एग्जाम्पल को यहां पर याद रखिएगा, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। यहां पर मैं दिखा रहा हूं कुछ ग्रेट स्कॉलर्स का नरेशन जिसके मुताबिक नबी नापाक अपने बिस्तर के नीचे कटोरा रखते थे और रात को सुसु लगने पर उसमें कर दिया करते थे। एक रात नबी नापाक उठे और अपना कटोरा ढूंढा। घर के किसी मेंबर ने बताया कि उम्मे सलमा की गुलाम बर्रा ने उसमें से कुछ पी लिया। नबी ने यह सुनकर कहा, उसने अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लिया। सुभान अल्लाह। ऐसे ही दूसरी जगह आता है कि उम्मे ऐमान बताती है कि नबी ने एक रात उठकर अपने कटोरे में सुसु किया और फिर उसी रात को मैं प्यास की शिद्दत के साथ उठी और मैंने उस कटोरे में जो भी था उसे पी लिया। सुबह मैंने नबी नापाक को बताया तो वो मुस्कराए और बोले, वल्लाह अब तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। बेशक इस पॉइंट से हमें यहां पर यह पता चलता है कि नबी कितनी रूहानी शख्सियत है। सुभान अल्लाह, उनका पेशाब मुबारक में भी इतना सर। इस एग्जाम्पल को यहां पर याद रखिएगा और चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ। बोनस पॉइंट, नबी के मां बाप भी दोजक में हैं। जी हां, सही सुना। एक आदमी ने नबी से पूछा, मेरे वालिद कहां हैं? नबी ने कहा, जहन्नुम में। जब वे मुड़कर जाने लगा तो नबी बोले, बेशक तुम्हारे और मेरे दोनों के वालिद जहन्नुम में जल रहे हैं। यह हदीस अभी दाऊद की हदीस में भी रिपीट हुई है, पर सही मुस्लिम तो उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक है। सही मुस्लिम की इस हदीस के मुताबिक हमारे प्यारे नबी जैसी रूहानी शख्सियत के माँ बाप जहन्नुम की आग में जल रहे हैं। अब पहले एग्जाम्पल को याद कीजिए, एक वैश्य औरत जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, उसे इस अल्लाह ने माफ कर दिया और जहन्नुम की आग से बचा लिया। लेकिन नबी जैसी शख्सियत को पैदा करने वाले उसके माँ बाप को माफ नहीं किया और वो जहन्नुम की आग में है ना कमाल की बात। अब इससे भी ज्यादा कमाल की बात समझिए, अब दूसरे एग्जाम्पल को याद कीजिए, नबी का पेशाब मुबारक पीने वाली गुलाम भी जहन्नुम की आग से बच गई, लेकिन नबी जैसी शख्सियत को पैदा करने वाले माँ बाप अभी भी जहन्नुम की आग में हैं। यानी मोहम्मद साहब को पैदा करने से भी बड़ा सवाब है मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक पीना। कुछ भी। तो अब इस दूसरे एग्जाम्पल को देखकर आप खुद बताइए कि क्या नबी के माँ बाप ऐसा कुछ कर सकते थे कि वो हेल फायर से बच जाते? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
मुझे लगता है इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम की वो कॉन्ट्राडिक्शन है जिसे समझकर कम समझदार को भी इस्लाम समझ आ ही जाना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। विज्ञान और इंसानियत को अपनाइए और कट्टरता से बचिए। इंसानियत हाफिज़।